हेलो एवरीवन, आफ्टर लूजिंग क्लोज टू 23 केजी ऑफ एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम माय बॉडी, एक चीज मुझे अच्छे से समझ आ चुकी है कि प्रोटीन इंटेक कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज प्रोटीन की डेफिशिएंसी यानी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने से हमारा वेट गेन होता है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, बॉडी में वीकनेस होती है, एनर्जी कम रहती है और मेटाबॉलिज्म भी पुअर होता है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम हर रोज़ प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करें, और स्पेशली अगर हम वेजिटेरियन हैं तो। ये सेम प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, बट अपनी फिटनेस जर्नी कवर करने के बाद और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने के बाद अब मुझे समझ में आ चुका है। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने एक नॉर्मल डे का डाइट शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक, इंक्लूडिंग प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स में मैं क्या लेती हूँ, अलॉन्ग विद ऑल द न्यूट्रिशन डिटेल्स, उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज के साथ साथ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी आइडिया लग जाएगा और आपको भी समझ आ जाएगा कि हम डेली लाइफ में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से मीट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मैं अपना वर्कआउट अर्ली मॉर्निंग करना प्रेफर करती हूँ, और वर्कआउट से पहले मैं जनरली एक एप्पल लेती हूँ। एप्पल इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड इट गिव्स मी इनफ एनर्जी एंड किक फॉर द वर्कआउट। एप्पल के साथ मैं एक टेबल स्पून पीनट बटर लेती हूँ, विच हैज गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन। मतलब एप्पल एंड पीनट बटर मेक्स अ परफेक्ट प्री वर्कआउट स्नैक। दिस हैज अ टोटल ऑफ 162 कैलोरीज, आउट ऑफ विच 8 ग्राम्स फैट, 14 ग्राम्स कार्ब एंड 5.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसे आप वर्कआउट से 30-45 मिनट्स पहले ले सकते हो। सो आफ्टर माई वर्कआउट आई टेक प्रोटीन ड्रिंक। प्रोटीन ड्रिंक को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं। प्रोटीन ड्रिंक सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्रोटीन ड्रिंक ले सकता है। आई पर्सनली प्रेफर टेकिंग प्लांट प्रोटीन, जिसके लिए मैं पिछले कुछ टाइम से फ्लिक्स का प्लांट प्रोटीन ले रही हूँ, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये विमेन के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। कॉम्पोजिशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। सो मैं अपने वर्कआउट के बाद 2 स्कूप्स ऑफ फ्लिक्स प्रोटीन लेती हूँ, जिसमें अराउंड 200 ml पानी डालती हूँ, शेक इट वेल एंड इट्स रेडी टू ड्रिंक। नाउ दिस विल गिव मी अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 4.9 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 1.9 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 123 कैलोरीज इन टोटल। इसके अलावा इसके अंदर 22 तरह के अलग अलग विटामिंस हैं और कुछ हर्ब्स जैसे कि शतावरी और फेन्युग्रीक, जो हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गार्शिनिया और किनुआ है, जो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और ब्यूटी ब्लेंड यानी कि द ब्लेंड ऑफ बायोटिन, विटामिन सी और आयरन, जो हमारी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। इट हैज ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज एंड ग्रेप सीड, व्हिच ऑल आर एंटी एजिंग। सो इट्स अ परफेक्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन व्हिच इज ग्रेट फॉर वुमेन। अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिसको यूज करने के बाद आपको एडिशनल 30% ऑफ मिलेगा। सो आज ब्रेकफास्ट में मैंने ओट्स चीला खाया, जो वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, जो हमें पूरे दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओट्स चीला बनाना बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आइए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया। इसे बनाने के लिए एक ब्लेंडर जार में मैंने 4 बड़े चम्मच रोल्ड ओट्स लिए। इसके बाद इन ओट्स को मैंने ग्राइंड किया और इसके साथ मेरे पास ये ओट्स फ्लार रेडी है। देन ओट्स फ्लार को मैंने एक मिक्सिंग बोल में डाला, उसमें 2 चम्मच कर्ड और उसके बाद कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स। Then I added spices to it, salt, pepper और थोड़ा सा पानी। इसके बाद मैंने इसका बैटर रेडी किया और ये हमारा चीला का बैटर रेडी है। देन तवे पे कुछ घी ऐड किया और ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड किया। अब बैटर को मैंने गरम तवे पे डाला और फिर इसे चीले की शेप में स्प्रेड किया। एक साइड से पकने के बाद इसे दूसरी साइड से पकाया एंड दोनों साइड से अच्छे से पकाने के बाद हमारा ओट्स चीला रेडी है। एंड विद दिस आवर न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट इज रेडी। 2 ओट्स चीला में अराउंड 172 कैलोरीज होती हैं, जिसमें 5.5 ग्राम्स फैट, 26 ग्राम्स ऑफ कार्ब एंड 4 ग्राम्स प्रोटीन होता है। सो आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट एट अराउंड 10 AM, 1:30 बजे मैंने लंच किया, और लंच में मैंने आज कैबेज की सब्जी ली। कैबेज की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल लिया, इसमें जीरा ऐड किया और जीरा के पकने के बाद इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला, फिर इसमें हरी मिर्च डाली और उसके बाद कटी हुई कैबेज डाली। अब इसे कुछ देर के लिए सौते किया। आप चाहो तो इसमें पीस यानी हरे मटर भी ऐड कर सकते हो। देन मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए, सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर
एंड धनिया पाउडर। अब इसे कुछ देर पकाया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके स्लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख दिया। सो 10 मिनट के बाद हमारी पत्ता गोभी की सब्जी रेडी है, जिसे मैंने एक कटोरी कर्ड, एक मल्टीग्रेन रोटी और एक प्लेट सैलेड के साथ लिया। As you can see, it's a very basic, simple Indian lunch which is filled with fiber. इस पूरे मील में around 380 calories हैं, जिसमें roughly 12.7 grams fat, 39.4 grams carb and 15.5 grams protein है। इसके बाद around 5:30 बजे मैंने अपना evening snack लिया, जिसमें एक कप black tea ली, इसके साथ 40 grams roasted चना लिया, जिसमें 147 calories हैं, 2 grams fat है, 23 grams carbs है और अराउंड 9 grams protein है। So now it's going to be my dinner time और मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे तक अपना डिनर कर लूँ। आज डिनर में है मूंग दाल, तो मूंग दाल को मैंने वॉश करके कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसी के साथ मैं इसका तड़का रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं एक चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा के स्प्लटर करते ही मैं इसमें लहसुन और गार्लिक ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए सॉटे करना है, फिर इसमें हरी मिर्च डाली और फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड करना है। प्याज को थोड़ी देर तक पकाएंगे और ट्रांसल्यूसेंट होते ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीजों को हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। ये दाल बनाने की एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जिससे दाल बहुत टेस्टी और न्यूट्रिशियस बनती है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। अब मसालों को कुछ देर के लिए पकाएंगे एंड थोड़ा सा पकाने के बाद, ताकि मसाले जले नहीं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब पूरी तरह मसाला पकने के बाद, तड़का रेडी होने के बाद, हम इस तड़के को बॉईल की हुई दाल में मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारी गर्मा गर्म दाल तैयार है, जिसके ऊपर हम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का डिनर, जिसमें मैं 100 ग्राम्स बॉइल्ड राइस ले रही हूँ, इसके साथ 150 ग्राम्स मूंग दाल ले रही हूँ और साथ में एक प्लेट यानी कि 100 ग्राम्स सैलेड ले रही हूँ। सो वंस अगेन यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल बेसिक वेजिटेरियन इंडियन मील, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 326 कैलोरीज हैं, जिसमें 5 ग्राम फैट, 53.5 ग्राम्स कार्ब्स एंड 14.2 ग्राम्स प्रोटीन है। और बस अब सोने से पहले मैं एक कप हर्बल टी, स्पेशली कैमोमाइल टी लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही साउंड स्लीप मिलती है। तो गाइस, ये था मेरा एक दिन का डाइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपका कोई भी फिटनेस गोल है, वेट लॉस, वेट गेन, इम्यूनिटी बिल्डिंग, तो आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आई एम वाओ का बेनिफिट ले सकते हो। इस प्रोग्राम के अंडर मेरे सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस डाइटिशियंस आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज डाइट प्लान्स प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ वीकली काउंसलिंग्स में आपको सपोर्ट करेंगे। इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आप मेरी वेबसाइट gunjanshouts.com पे जा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इस तरह की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी, तो इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गो अहेड, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।